भाइयों बहनों, आपने बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा होगा, बदलते हुए भारत को भी पिछले 7 वर्षों के अंदर देखा है। ये महामारी है, दुर्भाग्य से अगर ये महामारी कांग्रेस की सरकार के समय आया होता क्या होता, भाई बहन पिटली भाग गए होते, भारत में नजर नहीं आते। सपा की सरकार में आए होते तो चाचा भतीजे में होड़ लग गई हो गई होती कि कौन कितना ज्यादा हड़प ले, हमको गरीब की चिंता नहीं होती, किस माफिया को कहां ठेका दिलवा दें। और पवन जी के समय में आई होती तो पवन जी के समय तो भगवान ही मालिक होता। और इसलिए भाइयों बहनों, मुझे आज के इस अवसर पर आप सबका आह्वान करना है, सरकार पूरी संवेदनशील तरीके से कार्य कर रही है, एक एक उस व्यक्ति को प्रयास किया जा रहा है, जनता से चुनाव लड़ने वालों को जनता से भी चुनाव लड़ेंगे, जो जनता से जहां पर संख्या के महत्व को ध्यान में रखते हुए कमी दिखती है तो वहां पर उस समाज को भी प्रतिनिधित्व मिले और प्रतिनिधित्व देने के ही क्रम में सरकार के द्वारा प्रयास हो रहा है। मिलेगा सबको, इंतजार करने की आवश्यकता है। हाँ, किसी का कल हुआ होगा, किसी का आज हो रहा होगा, किसी का आने वाले कल में भी होगा, लेकिन मोदी राज में कोई अपने को उपेक्षित महसूस न करे, ये मान करके चलिए अगर उसकी बारी आई है तो मेरी भी बारी जरूर आएगी। भाइयों बहनों, आपने बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा होगा, बदलते हुए भारत को भी पिछले 7 वर्षों के अंदर देखा है। ये महामारी है, दुर्भाग्य से अगर ये महामारी कांग्रेस की सरकार के समय आया होता क्या होता, भाई बहन पिटली भाग गए होते, भारत में नजर नहीं आते। सपा की सरकार में आए होते तो चाचा भतीजे में होड़ लग गई हो गई होती कि कौन कितना ज्यादा हड़प ले, हमको गरीब की चिंता नहीं होती, किस माफिया को कहां ठेका दिलवा दें। और पवन जी के समय में आई होती तो पवन जी के समय तो भगवान ही मालिक होता। और इसलिए भाइयों बहनों, मुझे आज के इस अवसर पर आप सबका आह्वान करना है, सरकार पूरी संवेदनशील तरीके से कार्य कर रही है, एक एक उस व्यक्ति को प्रयास किया जा रहा है, जनता से चुनाव लड़ने वालों को जनता से भी चुनाव लड़ेंगे, जो जनता से जहां पर संख्या के महत्व को ध्यान में रखते हुए कमी दिखती है तो वहां पर उस समाज को भी प्रतिनिधित्व मिले और प्रतिनिधित्व देने के ही क्रम में सरकार के द्वारा प्रयास हो रहा है। मिलेगा सबको, इंतजार करने की आवश्यकता है। हाँ, किसी का कल हुआ होगा, किसी का आज हो रहा होगा, किसी का आने वाले कल में भी होगा, लेकिन मोदी राज में कोई अपने को उपेक्षित महसूस न करे, ये मान करके चलिए अगर उसकी बारी आई है तो मेरी भी बारी जरूर आएगी।